गांव में बहुत सारे लोगों की सगाई की बातें ऐसे भी होती रहती हैं, लेकिन प्रियांशु आपको बहुत सारी रोचक चीज़ें ऐसी बताने वाला है जो क्लासरूम से रिलेटेड हैं, जो इसके घर पे घटित हुई उनसे रिलेटेड हैं, कुछ ऐसे इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं जो घर परिवार और सोसाइटी में होते हैं। तो प्रियांशु सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, एम्स दिल्ली होके आए आप। उसने कहा मेरे पास मेरे गाँव में एक लड़की है, आप लड़की की सगाई करोगे क्या? कई इंस्टेंट अपनी लाइफ में सोचते हैं जिनसे अपने को एक सबक मिलता है। उसने मेरे को सबक मिला था कि कभी किसी टीचर के सामने नहीं बोलना, क्योंकि सर ने मेरे को एक बार क्लास में कहा था कि यार तू पूरी क्लास में घूम के बैठता है, कभी इस कोने में बैठता है कभी उस कोने में बैठता है। काउंसलिंग का जब रिजल्ट आया था ना, मेरे को लिटरली रोना आ गया था। प्रियांशु में कुछ चीज़ें अलग हैं जो आपको इस वीडियो के दौरान पता लगेंगी। प्रियांशु ने 254वीं रैंक ऑल इंडिया इस बार हासिल की, 700 मार्क्स एग्जाम में थे और जो सपना था वो अपना पूरा किया, एम्स दिल्ली जाना चाहते थे। एम्स दिल्ली के कैंपस में आप जब पहुंचे, गेट में जब तुमने एंट्री ली, तो तुम्हारा पहले से ये ड्रीम था। पिछले साल ये नाबालिग था, नाबालिग इन द सेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 17 ईयर्स एग्जाम का आपको बताया एक क्राइटेरिया होता है एंट्री के लिए, ये 17 साल का नहीं हुआ था, बच्चा था, दिखने में थोड़ा बच्चा नहीं दिखता है लेकिन बच्चा था तब। बात ये थी कि एम्स दिल्ली में इस बार जब मैं कैंपस में पहुंचा ना, पहली बात तो जब इस बार वो काउंसलिंग का जब रिजल्ट आया था ना, मेरे को लिटरली रोना आ गया था। मैं आज तक कभी मतलब ऐसी चीज़ों के लिए रोया नहीं हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों के लिए, लेकिन जिस दिन काउंसलिंग का मेरा खुशी के आंसू थे, खुशी के आंसू थे वो एकदम लिटरली मुझे मतलब ये ठीक बात है यार कि तुमने जीवन के अभी कई सारे पड़ाव बाकी हैं और इतनी जल्दी खुशी के आंसू देख लिए। खुशी के आंसुओं का अनुभव जो है ना बहुत लेट जाके होता है जिंदगी में इंसान को, तुमने सही टाइम पे पता कर लिया खुशी के आंसू कैसे होते हैं। सर वो इसलिए भी था क्योंकि एक्चुअली मेरा कैंप्स का जो था वो कंफर्म नहीं था कम्प्लीटली। हाँ, क्योंकि रैंक इस बार और स्कोर इस बार जो आया उसके हिसाब से, इसलिए वो थोड़ा डर था कि यार होगा कि नहीं होगा, लेकिन लास्ट में वो मैंने बहुत सारे भगवान को प्रसाद भी बोला था, सब सारी जितने मुझे लगता है भगवान के प्रसाद से कहीं ज्यादा जो जिसने ऊपर वाले ने जिपमेर चूज किया उसका रोल है, उसका तो मैंने उसकी तो मैंने अलग से भगवान से विनती की थी कि भाई इसकी शादी पहले करना। हाँ, टॉपर ने जिपमेर, एक ने चूज किया। हाँ, क्या किससे कहानियां हैं एम्स दिल्ली के? एम्स दिल्ली में जब मैं पहुंचा तो एक्चुअली ये था कि सामने से मेरा वो दोस्त था, वो उसका उस टाइम पेपर लग रहे थे सेमेस्टर वाले, तो वो सुबह सुबह घूमने के लिए आया हुआ था, रोड पे घूम रहा था, तो जैसे ही मैं एंटर हुआ सामने से वही दिखाई दिया, तो सामने से वही दिखाई दिया तो पुराने दोस्त थे, तो एक अलग ही खुशी थी कि यार एम्स में घुसते सबसे पहले वो अपने दोस्त थे। अच्छा, दोस्त ने दोस्त जैसा व्यवहार किया, बिहेव किया या बॉस जैसा? क्योंकि अब तो बॉस है वो। बॉस तो है लेकिन मेरे दोस्त ऐसे नहीं हैं, वो एकदम चिल रहते हैं मेरे साथ, और वैसे भी एम्स इतने बड़े इंस्टीट्यूट में इतनी कोई स्ट्रिक्टनेस होती भी नहीं है, वो सब चिल रहते हैं वैसे भी, और वो दोस्त थे तो वो तो बिल्कुल वैसे कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो मेरे साथ इतना स्ट्रिक्ट रहेंगे और रहेंगे, वो सारी चीज़ों में सपोर्ट भी करते हैं। अगर कोई और पहले के जो स्टूडेंट्स हैं एम्स के, अगर वो थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट नेचर दिखाते हैं तो वो भी उनको भी बोल देते हैं कि यार ये मेरा दोस्त है इसके साथ थोड़ा आराम से रहो, ये रहो, तो उनका पूरा सपोर्ट मिला है मुझे। क्लासरूम से जुड़ी हुई कुछ यादें हैं? मैंने ऐसा सुना है, और सुना नहीं है मैंने तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा है कि तुम क्लासरूम में शरारत तो किया करते थे, मतलब बातचीत करना, शांति से नहीं बैठना, ये कुछ कुछ चीज़ें कभी कभार तुम करते थे, हालांकि तुम पढ़ने में हमेशा से अच्छे थे इसलिए कई सारी चीज़ें ये टॉलरेट की जा सकती हैं, तो कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो जुड़ी हुई हैं क्लासरूम की यादें? तो टीचर तो क्लास में डांटते ही रहते थे मेरे को, तो आपने तुमने ही पढ़ाया है तो आपको पता है। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि सर ने मेरे को एक बार क्लास में कहा था कि यार तू पूरी क्लास में घूम के बैठता है, कभी इस कोने में बैठता है कभी उस कोने में बैठता है। वो एक्चुअली सर ये था कि अगर अपन क्लास में एक जगह बैठते हैं ना तो आपके वहाँ के बच्चों, तुम्हें क्या, तुम डाइवर्सिटी चेक कर रहे थे उस क्लास की कि क्या कितनी डेप्थ है कितनी डाइवर्स है क्लास? तो वो एक्चुअली वो बात नहीं थी कि अगर अपन क्लास में एक जगह बैठेंगे ना बोरियत आती है, बोरियत भी आती है और साथ में जो वहाँ पे बच्चे बैठने वाले हैं ना उनके साथ में एक वो दोस्ती वाला माहौल ज्यादा जुड़ जाता है, फिर वहाँ पे अगर हम लगातार बैठने लगेंगे तो फिर वो बातें वगैरह करना ज्यादा हो जाता है। यार ये तो कमाल की स्ट्रेटेजी है, मतलब कि जैसे थोड़े थोड़े दिन में बॉन्ड ब्रेक करते रहो। हाँ, फिर बॉन्ड बॉन्ड बनाते रहो, बॉन्ड ब्रेक करते रहो, ये तो ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन और बॉन्डिंग ब्रेकिंग का ही मेथड इससे अप्लाई किया। खैर ये चीज मुझे थोड़ा ठीक भी लगती है कि आप अपने मतलब एक ही तरीके की टेरिटरी बना के अगर बैठते हो तो वो लगातार उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट, बातचीत, डिस्कशन, ये सब चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है। अच्छा, गांव में एग्जाम का रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट तुम्हारा रहा, उसके बाद दादा दादी के पास गांव में घूमने गए, तो वहाँ भी कुछ मुझे लगता है रोचक वाक्य आपके साथ हुए। गाँव के लोगों ने कैसे आदर सत्कार, मान सम्मान, प्यार प्रेम दिया, कैसा व्यवहार उनका था? क्योंकि उनको एक लगता है ना अपने गाँव का बच्चा, अपने गाँव का बेटा यहाँ से निकल कर दिल्ली एम्स तक पहुँच रहा है तो अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है, तो लोगों के कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं लोगों की होती है? सम्मान की बात तो ये है कि सम्मान तो आप इस चीज़ से देख सकते हैं कि अभी करंटली मेरे ताऊ जी हैं उनका रिटायरमेंट हुआ था, मतलब मेरे परिवार में ताऊ जी उनका रिटायरमेंट हुआ था, तो
उनके रिटायरमेंट पे फंक्शन हुआ था गांव में, लेकिन उनसे ज़्यादा सम्मान मेरे को सम्मानित मेरे को किया गया था वहाँ पे, साफा वगैरह पहनाना, मालाएँ वगैरह पहनाना कि इसको इतने अच्छे मार्क्स आए, इतनी अच्छी कॉलेज मिली है। तो वही बात है कि तो लोग रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं, लोग पहचानने लगते हैं। आपको जब सफलता मिलती है और रेस्पेक्ट तो आपको हर तरफ से मिलती है, जो पहले मजाक मजाक में आपको कुछ बोल देते हैं वो भी बाद में ठीक कर लेते हैं चीज़ों। और इंटरेस्टिंग फैक्ट तो जैसे सर ने स्टार्टिंग में एक बताया भी था कि मैं रिजल्ट आया नहीं था उस टाइम एक्चुअली, लेकिन मार्क्स लगभग कंफर्म ही थे कि 700 आ जाएंगे। तो गांव में बैठा था तो जो घर के बाहर जो थे वो मेरी दादी जी बैठी थी, तो वहाँ पे एक बार एक वो कोई भैंस वाला भैंस लेने के लिए आया था हमारे। तो हाँ दोस्तों, गाँव में होता है ना जैसे पशुपालन से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग जो होते हैं, तो पशुओं की खरीद फरोख्त वहाँ जो है वो आमतौर पर चलती है, होता रहता है सभी। तो एक कस्टमर आया हुआ था भैंस खरीदने के लिए, तो दादी जी के साथ दादा दादी के साथ वो कर रहा था मोल भाव कि इतने होंगे इतने नहीं रुपये दूंगा, तो उन्होंने लास्ट में फाइनल कर लिया था एक्चुअली। फिर वो चाय पानी पिला रहे थे उस कस्टमर को, और मैं अंदर घर के अंदर सोया हुआ था, तो उसने पूछा कि ये अंदर जो लड़का सोया हुआ है किसका है, ये क्या है, उस पूछा मेरे बारे में। तो दादी ने बताया कि ये मेरा ही पोता है, मतलब इसके नीट में इतने मार्क्स आए हैं, डॉक्टर बनेगा ये बनेगा। तो उसने झट से वो भैंस वाली बात ही छोड़ दी। तो देखिए पहली बात तो ये कि नीट का एक, वो मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि नीट वाली जो एग्ज़ाम है ना एक सीढ़ी है, सफलता नहीं मिली अभी कम्प्लीटली, सीढ़ी है। पहला स्टेप आपने पार किया, अच्छे तरीके से किया, बहुत अच्छा फिनिश दिया उसको, लेकिन अब शुरुआत जो है उसको और भी ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। तो वही है कि आगे आने वाली लाइफ जो है वो ज़्यादा चैलेंजिंग होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तो दिल्ली का जो एटमोसफियर है वो आपको बहुत कम्प्लीटली डिफरेंट मिलता है। यहाँ पे सीकर एक देखें छोटी जगह है, बहुत छोटी जगह है उसके रेस्पेक्ट में, तो वहाँ पे आपको देश की नहीं बल्कि कई वो विदेशों से भी बहुत सारी वेराइटीज़ आपको देखने को। हाँ, बहुत सारे NRIs आते हैं जो देश के अलग अलग कोनों से स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग कल्चर है, सोसाइटी है, अलग अलग थॉट प्रोसेस है उनके, अलग अलग तरीके की डील करने के तरीके हैं लोगों के, तो आपको ये तो सब मिलेगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का पूरा पक्का फील तुम्हें अपने कॉलेज में मिल जाएगा। वहाँ पे वो सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि आगे आने वाले 5-6 साल जितने भी टाइम में वहाँ पे रहता हूँ दिल्ली में, वहाँ पर आगे आने वाले जितने भी टाइम में रहूँगा वहाँ पर अपने गोल के लिए मैं इन सारे चैलेंजेस से भी ओवरकम करके फोकस कैसे करता हूँ अपने गोल पर, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मुस्कुराहट कायम रखें, आप अपनी खुशियाँ जो है उनको खूब अच्छा शेयर करें, आप खुशी से आह्लादित होके आनंदित होके जिए, लेकिन अपने गोल, अपने टारगेट और अपने लक्ष्य के साथ कभी भी समझौता नहीं करें। ये यहाँ से आपको प्रियांशु से सीखने को मिल सकता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आने वाले समय में फिर कब हमें मिलें, बीच बीच में कभी मिलते रहें, तो हर बार तुम्हारी प्रगति से जुड़ी हुई, उन्नति, कामयाबी और समृद्धि से जुड़ी हुई खबरें मिलती रहें। और ये खबरें किसी एक स्टूडेंट के बारे में जब टीचर को मिलती हैं तो निश्चित तौर पर अच्छा महसूस होता है।